आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे अपने इफ कंडीशंस एंड लूप के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन एंड लूप। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ सेल्स वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सर ठीक है, देता हूँ। सॉरी सर, रिकॉर्डिंग परमिशन प्लीज। ओके, कॉपी किया, इसके ऊपर हम वैल्यू पेश करते हैं। और रिकॉर्डिंग की परमिशन मैं सबको दे दिया हूँ, आप सभी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बैबर्स नहीं आ रहे हैं, उनसे बात करना होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा, जो ग्रेटर देन 50 है उनको 500 देना है। सिंपल ये करना है। इस काम को जनरली हम इस फॉर्मूले से भी कर देते हैं कि ग्रेटर देन 50 तो 500, यहाँ पे 500। बट मैं एक काम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से करना चाहता हूं, तो इसके लिए चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम चलेंगे डेवलपर टाइम में, विजुअल बेसिक पे आते हैं और यहां आने के बाद इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं। और मैं मैग्नीफायर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जूम दिखे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया, इसमें हम देते हैं एक अंडरस्कोर 1 बाकी ओपन क्लोज। यहाँ पे देंगे हम 4 यहाँ पे 4 नहीं, इफ कंडीशन देना होगा। और यहाँ पे हम एक काम करता हूँ, वेरिएबल लेते हैं वेरिएबल डिम एस कॉमा आर एज ए लॉन्ग या वेरिएंट ले सकते हैं, लॉन्ग ले लिया। एस इक्वल टू हमने दिया रेंज ए टू डॉट वैल्यू। फिर यहाँ कंडीशन देंगे कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन आर इक्वल टू 500। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम में लिख सकते हैं लेकिन वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि लास्ट कुछ क्लास में हमने वेरिएबल यूज किया है, सिखाया है, तो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑल समझ में आएगा। और फिर यहाँ पे हम करेंगे रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चीज दी है, हमने यहाँ पे सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट दिया है। मतलब कि एस क्या है, ए टू की वैल्यू है। ए टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है देन आर इक्वल टू 500 होगा। तो सिंपल सा एक कंडीशन को चेक करना है और एक कंडीशन देना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस माइक्रो को मैं रन करता हूं तो सिंगल सेल पे वर्क करेगा। जी हाँ, सिंगल सेल, बट मेरे पास और भी चीजें हैं। तो क्या मैं यहाँ पे इस कोड को रिपीट करते जाऊं और ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से देते जाऊं? जी नहीं, हमारे पास लूप इसलिए था। यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, एक मैं अपना लूप चेंज कर देता हूँ। साउंड नहीं रहा है, भी आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर। तो यहाँ पे हमारा 22 है, तो लूप में अब बाद में इसको ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, डायनेमिक कर देंगे फुल्ली 22। और यहाँ नेक्स्ट
करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके बीच में जितने भी आपके सेंटेक्स है सबको वो 2 से 22 मतलब कि 21 बार रन करेगा। बट प्रॉब्लम अभी भी वही है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमने 2 से लेके जो 22 यूज किया है उसमें हर बार A2 और B2 को ही कैलकुलेट करेगा। इस 2 को 3, 4, 5 डायनेमिक करना पड़ेगा ना सर। तो क्या करेंगे, इस पे हम रखेंगे और एंड परसेंट के साथ आई कंपेयर कर दे। तो जैसे फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई, अब मैं इसको एक एक करके रन करा देता हूं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इसके लिए हम एफएट यूज करते हैं। यहां पे डिबग होता है ना, डिबग में सेटिंग को, तो एफएट किया। यहां पे देखिए आई 2 है तो ए और 2 आपस में मैच हुआ तो क्या हो गया, ए टू की वैल्यू एस पे स्टोर हो गई। इसने चेक किया कि क्या एस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर है तो यहाँ पे 500 शो कर दिया और फिर इस वैल्यू को हमने आर पे स्टोर कर दिया। और ये काम हर बार करेगा, हर बार आई अपना मान चेंज करेगा। आई 4 हो गया, यहाँ पे 4 कर दिया, फिर 5, 6 ऐसे 22 तक चलेगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका जहां जहां ग्रेटर देन, अब यहां पे एक दिक्कत आ गई कि सबसे 500 दे दिया इसमें। क्यों? क्योंकि यहां पे एक चीज बहुत अच्छी चीज समझने वाली है। जब आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल पे जो डेटा है मतलब कि जो आर पे डेटा 500 स्टोर हो गई वो तो हमेशा 500 ही स्टोर रहेगी ना। क्या अगर कल के रेट में कंडीशन मैच नहीं करता है फिर भी आर के ऊपर 500 तो है ही ना। तो आपको आर को ब्लैंक करना पड़ेगा, तो खाली करना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, तो मैं इसको डिलीट करता हूं, माइक्रो में जाता हूं और यहां माइक्रो नेम को रन करता हूं। तो जहां जहां 50 था वहां दिया, बाकी जगह पर उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मुझे इसमें एल्स कमांड देना है कि ग्रेटर देन 50 है तो 500, अदरवाइज इसमें मान लीजिए 15 आना चाहिए। तो एल्स कंडीशन, तो एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, तब हम यहां पे, या फिर एल्स कंडीशन में आपको यहां पे बैन करके नीचे आना पड़ेगा। यहां पे बैन करके बाद नीचे आना पड़ेगा, आर इक्वल टू 500 और फिर यहां पे else r equal to 50 और फिर यहां पे and if देना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है तो एक लाइन में लिख दीजिए, लेकिन आपके पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट है देन आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 वाला जो पार्ट है 2 वाला पार्ट में डालना पड़ेगा, फॉल्स वाला पार्ट जो है वो आपको फॉल्स वाला पार्ट में डालना होगा। अब मैं इसे इस पर अगर रन करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे आ रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन यहां उठ के और आता है, क्या हम मल्टीपल कमांड दे सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि मुझे आर पे वैल्यू भी देना है साथ में इसको कलर भी करना है, तो यहां पे डॉट इंटीरियर मैंने दिया, डॉट कलर इक्वल टू जीजी रेड। क्या किया हमने, बीवी रेड, और उसको रन कर दिया। समझ गए? कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर, इसमें टूट गया। किस तरह की कंडीशन आप दे सकते हैं और एल्स में किस तरह की चीजें भी दे सकते हैं? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को? यस सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि 500 देना है किसको, एचपी 52 एचपी वाले को, 52 जो एचपी है उनको देना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए यहां कोड में यहीं पे देखिए यहीं पे हम एंड का यूज करेंगे, एंड एस इज लेस देन इक्वल टू एचपी, ठीक है। तो 50 to 80 वाले को कलर करेगा और उस पर ही 500 दिया जाएगा। अगर मोर देन वन कंडीशन, तीन चार कंडीशन है, इसी तरह से एंड 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 यूज करते चले जाएंगे। लेकिन अगर कलर कंडीशन अगर ए है, मतलब कि ऑप्शनल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां डेट डाल रखी है, ठीक है, और यहां पे हमने डेट मान लीजिए कि सितंबर का ही डेट डाल दिया हुआ है, ये आपका 30 तक है। तो अब हमें क्या करना है कि दो यहां पे मुझे यहां पे ऑन ऑफ देना है, ऑन और ऑफ। तो जिस दिन सैटरडे है, जिस दिन सैटरडे है, संडे है, उस दिन ऑफ होगा, और जिस दिन मंडे टू फ्राइडे है उस दिन ऑन होगा। एक चीज हम बीजीए के जरिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, और इस बार नया प्रोग्राम यहां नीचे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं थोड़ा। हाँ, यहां लिखते हैं कि सब इज अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे देंगे सबसे पहले डिम डी एज ए डेट और डिम रिजल्ट के आर एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ऑन ऑफ स्ट्रिंग है इसलिए। तो यहां पे देंगे मैं फोर आई इक्वल टू चले 1 to 2 से 2 to 30 31 नेक्स्ट आर। उसके बाद यहां हम करेंगे डी इक्वल टू रेंज ए के साथ आई कंबाइन होगा डॉट वैल्यू, ये कंडीशन होगा कि इफ डी, अब यहां पे डी क्या है, डेट डेट, तो मुझे से सैटरडे संडे निकालना होगा, तो हम फॉर्मेट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मेट फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं आपको, डी कॉमा 3 times DB इक्वल टू सैटरडे, इसमें एस बड़ा रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक केस सेंसिटिव होता है सैटरडे, और क्योंकि इसमें से इसमें क्या है कि इस पे डेट पे दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो सैटरडे होगा या हमारा संडे होगा। देन आर इक्वल टू ऑन ऑफ, सॉरी ऑफ, एल्स आर इक्वल टू ऑफ, और यहां पे हमने एंड इफ कर दिया। लेकिन मुझे रिजल्ट वापस रिप्रिंट करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया, ए को मैं बी कर देता हूं और यहां इक्वल टू आर दे देता हूं। अब मैं आता हूं अपने मैक्रो में,
और यहाँ पे मैं मैक्रो को रन करता हूँ, दूसरे में मैक्रो को। सर अगर कर्सर C2 पे रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्या? कर्सर C2 पे रख के रन करेंगे देन इट आल्सो वर्क राइट? नहीं, C2 पे अगर रन करते हैं तब आपको यहाँ जहां जहां रेंज है उसके आगे आपको सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। आपने इसे सीट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, दे रखा है सर आपने सीट का रेफरेंस? नहीं। जब सीट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि सीट 2 से लेना है, सीट 1 से लेना है, सीट 3 से लेना है? मैं आपको क्या बोला था ना कि सीरिया लड़का एक गदा प्रसाद है, इसको बोलना पड़ता है हर चीज, इमेजिन नहीं करता है वो। सर सेम सीट में C2 पे अगर रखेंगे तो सेम सीट में आप कहीं भी रखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर C2 D2 नहीं है ना, डिफाइन नहीं है सर, कर्सर से मतलब नहीं है। okay, ये तो आपका 2 से 31 चल रहा है तो अपना रेंज खुद बना रहा है ना सर। जी सर, एक्टिव टेल से मतलब इसको नहीं, कहीं पे एक्टिव टेल है सिलेक्शन जैसा कोड इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे एक्टिव टेल या सिलेक्शन जैसे कोड इस्तेमाल होते हैं तो आपको सोचना होता कि भाई कर्सर वहां रखना पड़ेगा, पर ये अपना रेंज तो खुद बना रहा है ना। जी सर। सर यहाँ पे R is equal to 0 या nil या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं इस, हाँ इसमें करने की जरूरत, इसमें else लगा है ना, करने की जरूरत नहीं है सर। मतलब कि क्या हुआ कि R पे कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, हमें करने की जरूरत कब पड़ी थी, जब मेरा else नहीं था। इसमें एल्स देना जरूरी नहीं है, मतलब कि फॉल्स हो तो देना जरूरी नहीं है, फॉल्स नहीं भी है तो चलेगा। तो उस केस में आपको आर आर की वैल्यू रिप्लेस नहीं ना होगी, बट यहाँ आर की वैल्यू रिप्लेस हो रही है ना सर। ओके, तो इसके मैं तकरीबन 4 या 5 एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इसको रेफरेंस में लीजिए और मुझे आप इसके तकरीबन 8 से 10 एग्जाम्पल बना के भेजिए, और साथ में मैं आपको एक आर्टिकल रिकमेंड करता हूं। जी हाँ, एक आर्टिकल मैं आपको रिकमेंड करता हूं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं भी अपने जो लर्निंग लाइफ में था इसको पढ़ता था। वीवीए फंक्शन लिस्ट, मैं आर्टिकल बता देता हूं आपको। या राइट, लॉजिकल में आपको दिख रहा है ना सर, एंड केस फोर नेक्स्ट देन स्विच फाइल एंड, दिख रहा है ना आपको सर? यस सर। तो इसको आप एक बार स्टडी करना है आपको। देखिए इफ देन एल्स है आपका, ये पूरा समझाया हुआ है एग्जांपल के साथ। तो ए आपको लॉजिकल फंक्शन आपको देखना है और ए हम आपको चैट कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने हिसाब से एक बार देखिए, फिर अगली क्लास में हम आपके साथ इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।